चलो पार्थ जल्दी जल्दी चलो पलो चलो चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो मैं और पार्थ होने जा रहे हैं जल्दी जल्दी रेडी। मैं नहा कर आ गई हूँ और पार्थ को भी उसकी मम्मी ने नहला दिया, तो हम चलते हैं रेडी होने के लिए। तो क्योंकि आज है नवरात्रि का नौवा दिन, नवरात्रि का नौवा दिन यानी कन्याओं की दावत। आज देवी माँ हमारे घर आने वाली है कन्याओं के रूप में। तो यहाँ मेरे होठ में लग गई चोट, तो बोलने में और वैसे दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये मैं माता रानी का आशीर्वाद लेने आ गई। और जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। के बाद माता रानी के हाथ जोड़ो। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पार्ट को रेडी। ये इतना शरारती है कि कोई भी काम करते करते ना बिगाड़ने में एक्सपर्ट है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पीठ से पीछे पानी को पोंछ रही थी और मेरे पीठ पर डाल दिया पाउडर और कह रहा है बुआ मैंने आपकी पीठ पर पाउडर डाल दिया है। नोटी आप पीठ लगा लो, गुस्सा हो जाएंगे बुआ। हाथ भाभी ने मुझे दे दिया ये वाला काम। भाई रे भाई ये वाला काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसे रेडी करना समझो ना बाबा ना, करो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका हाँ। वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका हाँ। मुंह में नहीं देते इसको, मैं नहीं देती तो। अब मेरी कॉपी मत करो, अम्मी टॉपी नहीं करो, आप कर रहे हो मेरी कॉपी, आप करो मेरी टॉपी। अभी देखो फिर से, अब ये लगेगा पार्थ के पाउडर। पता है आपको बोलते हैं सब क्यूट, ऐसे कहते हैं पार्थ तो बहुत क्यूट है। नहीं इस पर डल गया, सॉरी मिस्टेक से गिर गया बेटा। उली बापरे ये क्या होता है? उली बापरे किसने सिखाया आपको? अच्छा मैं पाउडर डालती हूँ तो आप उली बापा कहते हो। अब आपके ऑयल लगा देती हूँ, क्रीम तो निकल ही नहीं रही है उसमें से। क्रीम तो निकल ही नहीं रही है उसमें से। मेरी होंठ की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, पूछो मत। इसने ऐसी चोट लगाई है होंठ पे बार बार मेरा। चाची अम्मा चाची मना कर रही थी। नहीं क्या मना कर रही थी चाची? अम्मा मना कर रही थी चाची तो नहीं भेजो। मैंने सब जानता है, समझ आया आपने इसने क्या बोला? मैं बताती हूँ कह रहा है मम्मी कह रही थी, जिद कर रही थी कि नहीं चाची को नहीं लेकर आएंगे, आप उन्हें परेशान करते हो ना। बोला नहीं चाची को लेकर आएंगे। मम्मी के ऊपर कर रहा था अटैक, मतलब ऐसा मम्मा नहीं अम्मा नहीं इस तरह। और मम्मी तो बच गई और मेरे लग गई गलती से। देखो नहीं और बोला गलती से। ओ वाओ रेड ड्रेस में तो मेरा बाबू बहुत ही प्यारा लग रहा है। वो जीता लीता है। अच्छा बुआ की ड्रेस का कलर बताओ। ये कौन सा कलर है? पर्पल। आपको कलर्स नहीं आते? येलो। बुआ जी की शर्ट है येलो और पार्थ की टी शर्ट है रेड। अच्छी लग रही है ना रेड टी शर्ट पार्थ की? हाँ, की तो चन्नी लग रही है। अच्छा मेरी गंदी लग रही है, आपकी अच्छी लग रही है? हाँ। मेरी भी अच्छी लग रही है। अब चलो थोड़ा स्टैंड अप होके दिखाते हैं। बताओ किसकी अच्छी लग रही है, मेरी या पार्थ की? मेरी। खड़े होके दिखाओ जरा स्टैंड अप हो। देखिए मेरी शर्ट अच्छी लग रही है और मेरी भी। मुझे तो डांस भी आता है, देखो आपको आता है? आप करके देखो। बोले बाबा ले लो छप्पा, इसको बस यही आता है और कुछ नहीं आता। छप्पी बजा दू भी था दू ना अच्छा है। चलो तो अब हो गए रेडी। यहाँ मैं फूल धो रही थी माता रानी के मंदिर पर चढ़ाने हैं ना, इसलिए मैं मंदिर पे तो जाती नहीं, तो मेरे लिए तो मेरा घर का मंदिर ही ना मंदिर है। भगवान बुलाएंगे तो मैं उनके यहाँ भी जाऊंगी। मन तो बहुत होता है मंदिर जाने का पर नहीं जा पाती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए मेरे घर का मंदिर ही मेरे लिए मंदिर है।
भाभी और मम्मी भी आ रही होंगी जल्दी जल्दी, तो मंदिर को साफ 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 कर लेती हूँ और अच्छे से साफ कर देती हूँ मंदिर को, सफाई कर देती हूँ उसका, मतलब मंदिर की जो भी फूलों से सजाना है और उनके तिलक लगाना है माता रानी के, आरती करनी है ना मम्मी और भाभी। देखो ये मैंने उसको एकदम सुंदर बना दिया, मंदिर को फूलों से सजा दिया, कितना प्यारा लग रहा है ना मंदिर। यहाँ मम्मी भी आ गई और मम्मी के साथ, मम्मी आ गई और भाभी भी आने वाली है। मैंने कहा मम्मी चलिए अब मैं और मम्मी मिलकर जो भी अग्यारी होती है उसकी सामग्री को से कर रहे हैं तैयारी। भाभी आते ही आरती स्टार्ट हो जाएगी, आरती करने लग जाएंगे भाई और मैं मिलकर, फिर मम्मी जाएंगी मंदिर। मैं तो मंदिर नहीं जाती, बताया मैंने आपको, यहाँ भाई भाभी और सब हम सब थे आरती की, आरती करने के बाद सब लोग चले गए थे मंदिर, मैं और भाई यहीं थे, तो मम्मी और भाभी गई थी। यहाँ हम कन्या पूजन के लिए रेडी हो गए थे। चम चम के पीछे बैठो, बात करो सब पीछे हो जाओ। एक्चुअली हमने कन्याओं को बुलाया था तो कन्या आ गई थी समय पे, देवी माँ हमारे घर समय पे आ गई तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। मम्मी और भाभी गई थी मंदिर पे तो मैं और भाई ने ही स्टार्ट कर दी, क्योंकि इस दिन तो आप सबको ही पता होगा कन्याओं का रूप कैसा होता है, सब बोलते हैं हमें जल्दी जाना है जल्दी जाना है, तो हमने काफ़ी कोशिश की बाबू आप बैठ जाइए थोड़ी दिन, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो रुकने के लिए रेडी नहीं थे। तो मैं और भैया मिलकर कन्या जमाने लगे, उनके तिलक लगाया, चुनरी पहनाई, जो माता रानी के रूप में कन्याएं हमारे घर आई थी उनको खाना खिलाया, प्रसाद दिया, हलवा और कोबरी पूरी सब्जियां उनका, तो वो मज़े से खा रहे थे और हम उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। माता रानी ऐसे ही हमारे घर आती रहें, आशीर्वाद बनाए रखें अपना, कोई गलती हो तो क्षमा करें। और बच्चियां बहुत खुशी खुशी खाना खा प्रसाद खा रही थी, और उनके जाने के बाद मम्मी आ गई थी तो कुछ कन्या और आ गई थी हमारे घर एक और बार, जिनको बुलाया था ना उनसे, मतलब 9 कन्या पहले आ गई थी, उसके बाद और कन्याएं आ गई तो हम और भी खुश हो गए, तो उनको भी भोजन कराया। यहाँ मैं उन्हें पानी पिला रही थी कन्याओं को, और वो भोजन ग्रहण कर रही थी। ये जाने के बाद कन्या जा रही थी, मम्मा ने सबके पैर छुए और मैंने तिलक और चूड़ियाँ बनाई थी उनको, तो उनके जाने के बाद मैं रूम की साफ़ सफाई करने लग गई थी, जो रूम थोड़ा गंदा हो गया था उसको साफ़ किया। तो नवरात्रि का 9वां दिन भी बहुत ही अच्छा गया, माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे, और नवमी भी पूज गई, इसे ही कहते हैं नवमी पूजना। इसी तरह कन्याओं 9 कन्याओं के रूप में माता रानी आती है तो हम उनको पूजते हैं, यानी उनका तिलक लगाते हैं, माता रानी की चुनरी पहनाते हैं, उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हैं और उनकी खुशी के लिए उन्हें कुछ देते हैं। तो ऐसे ही हमारे घर तो बहुत अच्छे से नवमी का त्यौहार बना है, आप सबके घर पर भी बस खुशियाँ ही लेकर आए माता रानी सबके, और हमारे घर में भी बस माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे। तो मैं रूम की साफ़ सफाई कर रही थी, मम्मी को लगी, मम्मी अपना व्रत खोल रही थी क्योंकि 9 दिन व्रत रही थी मम्मी, प्रसाद ग्रहण कर रही थी, मैं उनके लिए पानी लेकर आई, रूम की साफ़ सफाई भी कर रही थी साथ के साथ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा ब्लॉग कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सोच रही थी मैं अब ऐसे ही अपना ब्लॉग बनाया करूँगी रियल वॉइस में, क्योंकि म्यूट करने में भी, मतलब एडिट करने में भी समय लगता है, बट क्या करूँ आसपास सब कोई ना कोई होता है, तो शोर शराबे की वजह से मुझे एडिट करके अच्छे से ब्लॉग प्रिपेयर करना, अच्छे से सेट करना पड़ता है। तो सपोर्ट करेंगे तो सबकी हेल्प मुझे मिलेगी। लास्ट में ये 3 बच्चे आए थे, पार्थ इनके साथ बहुत हैप्पी था तो मैंने इनकी एक पिक ली।